चैनल प्लीज सब्सक्राइब है। तो गाइस क्या आपको कोई ऐप में टाइम सेट करना नहीं आता? तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कोई भी ऐप में आप एक मिनट में टाइम सेट कर सकते हैं। जी हाँ, हर एक ऐप में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्लेविद, भीएन, यूट्यूब, गूगल, हर कोई ऐप में आप टाइम सेट कर सकते हैं। क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक बीमारी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, बच्चे के आँख में प्रॉब्लम। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। तो बच्चे की आँख में प्रॉब्लम कैसे होते हैं, वो बच्चे यूट्यूब में वीडियोस देख देख के अपनी आँख ख़राब कर लेते हैं। तो हम एक नए टेक्निक के लिए आ गए हैं, कोई भी ऐप में हम टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये सबको पता नहीं है, तो इसीलिए हम वीडियो बनाए हैं। तो आइए स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके बताते हैं कि कोई भी ऐप में आप टाइम लॉक कैसे लगा सकते हैं। ये ऐप लॉक नहीं है, ये है टाइम लॉक। तो प्लीज़ हमारे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो गाइज हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी ऐप में आप टाइम सेट कर सकते हैं। तो गाइज पहले हमें कोई भी ऐप में हम लगा सकते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे, हमें सबसे पहले हम देखते हैं YouTube में लगा के, ठीक है। तो YouTube में थोड़ा इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं लॉक इन्फो है, तो लॉक इन्फो पे जाना है। थोड़ा सेटिंग खोल गया तो नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम पर थोड़ा क्लिक कर देंगे तो नीचे आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ ऐप टाइमर, तो ऐप टाइमर पर क्लिक कर दिए। अब आप जितना मिनट का टाइम सेट कर सकते हैं, तो गाइस हम यहाँ लगाते हैं 10 मिनट का। लग चुका है हमारा 30 मिनट का लग जाता है, ठीक है। तो हर बार 30 मिनट का लगेगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 41 मिनट। तो टुडे आज 41 मिनट यूट्यूब चला है, इसलिए 30 मिनट जैसे ही हम लोग यहाँ टाइम सेट कर दिए तो थोड़ा बैक आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा YouTube डिसेबल हो गया। अब क्लिक करो तो ये सेटिंग फिर हटाना है, तो फिर ओके करो कट जाएगा। आज 41 मिनट हम YouTube में वीडियोस वगैरह देखे हैं, इसलिए हमारा ये कट गया पूरा। तो फिर हमें अब अगर टाइम को हटाना है, तो फिर ऐसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो थोड़ा यहाँ आप देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, तो सिंपल से गाइस यहाँ डन कर देंगे, डिलीट हो गया। अब यहाँ मेरा YouTube अब फिर थोड़ा बैक आ जाते हैं थोड़ा। आप देख सकते हैं मेरा YouTube अब चलने लगा, पहले क्या होता था नहीं चल रहा था, अब चलने लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।